ओम अपारो राम पृथ्वी देव जना द्विअस्मातम ब्रजम गच्छा गोष्ठान वर्षन्तु द्योर्माणा देवा सविता परम अस्याः पृथिव्या सतेन पार अस्मे दुष्टियं च वयं दुष्मस्तं मामोक अरसौ दिवो महातप्तौ दृहस्पते मा ते अस्माकं ब्रजं गच्छा गोष्ठान वर्षन्तु द्योर्धानः देवा सविता परम अस्याया सतेन पास्यौ दृष्टियं च वयं दुष्मस्तं मामोकः। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जज से स्वर्गीय आनंद। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आपको बता दें कि यह लेख कल्याण के मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। यह पुस्तक आप हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। जो व्यक्ति कृपण होता है उसका समाज में बहिष्कार कर देना चाहिए ताकि उसमें भी दान की वृत्ति पैदा की जा सके। उसके मस्तिष्क में इस बात को डालना आवश्यक है कि दान ही स्वर्ग का मार्ग है, अदान अथवा कृपणता से नरक का द्वार खुलता है। यह यज्ञिक वृत्ति ही है जिसके स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस बात को यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का यह 26वां मंत्र बता रहा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम अपारूरम प्रतिद्या देव जनाः द्विअस्मातम ब्रजं गच्छा गोष्ठान वर्षन्तु ते द्योरुदानः देवा सविता परमस्याः प्रतिभ्यः सतेन पास्यौ अस्मान् द्वेष्टियं च वयं दुष्मस्तौ मामोकः अरसहु दिवः महातप्तौ द्रिवियन्ते मध्याः मा अस्माकं गच्छा गच्छं गोष्ठान वर्षन्तु ते द्योर्धाना देवा सविता परम अस्याया पृथिव्या सतेन पा अस्यु अस्मान् द्वेष्टियं च वयं दुष्मस्तौ मामोकः। यजुर्वेद मंत्र संख्या 126। इस मंत्र में दो बातों पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम, यज्ञ करते हुए अदानी का बहिष्कार करो। इस मंत्र के द्वारा परमपिता परमात्मा प्राणी मात्र को उपदेश करते हुए कहते हैं कि संसार के जितने भी यज्ञ हैं वह सब के सब दान का ही परिणाम होते हैं। बिना दान के कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। दान से ही यज्ञ संभव होता है। वास्तव में यज्ञ का अर्थ ही दान है, यज्ञ का अर्थ ही परोपकार है। हम यज्ञ हवन जो भी कुछ डालते हैं उसमें वह सब अपने हित के अतिरिक्त दूसरों का उपकार करने के लिए होता है। यज्ञ में डाला गया पदार्थ अग्नि अपने पास न रखकर इसे हजारों गुना शक्ति देकर हजारों गुना बढ़ाकर यूं कहें कि इसमें कुछ और जोड़कर वायुमंडल को दान कर देता है। फिर वायु इसे संसार के लोगों का उपकार करने के लिए शुद्ध पौष्टिक वायु के माध्यम से सब प्राणियों में बांट देता है, प्राणियों को दान कर देता है। इन सबसे स्पष्ट होता है कि यज्ञिक व्यक्ति सदा दान की भावना से ओतप्रोत होता है। उसमें जन कल्याण की भावना होती है। वह बांट कर खाना ही पसंद करता है, दूसरों को अपने में देखता है। मंत्र के इस भाग के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि दानशील व्यक्ति सदा यज्ञी होता है। वह स्वयं ही दानशील नहीं होता बल्कि यह दूसरों को भी दान की भावना से ओतप्रोत करता है। अदानी की कृपणता की भावना को आदत को बदलकर उसे दानशील बनाया जावे। इसके लिए उसे समझाया जाएगा कि दान का क्या महत्व है, दान क्यों करना चाहिए आदि। जब उसे यह सब समझ आ जाएगा तो वह भी यज्ञिक बनने के लिए दान करने को आगे आएगा। हम सत्संग करते हुए सदा यह प्रार्थना करते हैं कि हम सुमन अश्य बने। इतना ही नहीं, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब व्यक्ति, सब लोग, सब परिजन, सब मित्र आदि भी दान करने वाले हों। अथर्ववेद में कहा भी गया है कि दान कामश्च नो भवतः। यह विशुक्ति भी यह उपदेश कर रही है कि हमारे संपर्क के सब लोग दान की भावना वाले हों, यज्ञी हों। यह बात ही यजुर्वेद कह रहा है कि सब किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से दान करने वाले हों, दान देने में उत्साहित हों, बड़े उत्साह से दान देते हों, दिल खोल कर दान देते हों। इस प्रकार मंत्र का यह खंड कहता है कि दानशील बने जो अदानी हैं उन्हें हम दानशील बनाने का प्रयास करें। प्रभु आगे उपदेश कर रहे हैं कि जो लोग दानशील नहीं हैं, जिनमें दान की किंचित भी भावना नहीं है, जो अति कृपण हैं, कंजूस हैं, दान देते हुए जिनके हृदय को कष्ट होता है, ऐसे जीव को प्रभु यज्ञ का अधिकारी नहीं देते। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी भद्र व्यक्ति किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आमंत्रित ना करे, सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करे, किसी भी रूप में उसे सामाजिक कार्यों में भाग लेने की अनुमति ना दी जावे। यह बहिष्कार ही उससे वह अपने आप को अपमानित अनुभव करेगा और बाध्य होकर अपमान से बचने के लिए अदान की आदत को छोड़कर दान करने वाला बन जाएगा। मंत्र अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि इस प्रकार सामाजिक भय से जब वह सत्संग को स्वीकार करने को तैयार हो जाता है तो इस सत्संग से, इसके माध्यम से वेद की वाणियों का, वेद के उपदेशों का सत्संग स्थान बन जाता है। सत्संग के माध्यम से वेद के उपदेशों का प्रचार होने लगता है।
इसके साथ ही जब बहिष्कार का भय उस कंजूस के सामने आ जाएगा तो भयभीत होकर वह सत्संग से भाग लेने के लिए अपने आप को दानशील बनाने का यत्न करेगा। इससे वेद वाणियों का, वेद के उपदेशों का विस्तार हो जाएगा। वह सत्संग ही है जहाँ वेद के उपदेशों का ज्ञान मिलता है। इस प्रकार हे जीव, यह सत्संग तेरे लिए ज्ञान के प्रकाश की वर्षा करे। इस प्रथम खंड में अंत में जीव उस पिता से प्रार्थना कर रहा है कि पिता, हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम सत्संग से, वेद के उपदेशों से कभी विमुख ना हों, सदा वेद ज्ञान के प्रकाश में ही रहें, इसकी छत्रछाया में ही रहें। जो लोग कृपण हैं प्रभु, उन्हें भी दानशील बनाने के लिए प्रयत्न करें। उन्हें भी यज्ञ में जाने का, सत्संग में भाग लेने का अधिकार दे। उन्हें ज्ञान के इस उपदेश से दूर मत कर। यदि उन्हें इस उपदेश से दूर रखा है तो वह अपनी कृपणता को कैसे बुरा समझेंगे, इससे कैसे बचेंगे। इसीलिए प्रभु उन्हें दानशील बनाने के लिए, उन्हें भी यज्ञ बनाने के लिए, उन्हें भी सत्संग में जाने का अधिकारी बनावे। हमारे शत्रु को भी सत्संग का अधिकार मिले। मंत्र अपने दूसरे भाग में उपदेश कर रहा है कि जो ना देने वाला, दान ना करने वाला है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी ना हो, ऐसा व्यक्ति सुखों को प्राप्त ना करे, वह कभी सुखी ना हो। स्पष्ट है कि अदानी को, कृपण को, कंजूस को कभी स्वर्ग नहीं मिलता, वह कभी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। यह संसार के उसके लिए नर्क के समान हो जाता है, दुखों का घर हो जाता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यज्ञ दान का पर्याय होता है, दान ही यज्ञ की चरम सीमा होती है, अर्थात दानशील बनना ही यज्ञ की पूर्णता है। यज्ञ को दान रूप भी कहा गया है। यज्ञ से हमारा यह लोक तो सुधरता ही है, इसके साथ साथ परलोक भी सुधर जाता है। यज्ञ के कारण ही हम इस लोक के सुखों को भी पाते हैं और परलोक में भी सुख ही मिलते हैं। मंत्र आगे उपदेश करते हुए कह रहा है कि दानशील व्यक्ति भोगों में लिप्त नहीं होता, वह कभी भोग प्रवण नहीं होता, वह दान की भावना रखता है। वह अपना पूरा समय दूसरों की सहायता में, परोपकार के कार्यों में करने में लगाता है। इस कारण उसके पास बेकार के कार्यों के लिए, भोगों के लिए समय ही नहीं रहता। इसीलिए वह कभी भोगों की ओर जा ही नहीं सकता। जब वह भोगों में लिप्त ही नहीं होता तो उसके शरीर की शक्ति, जिसे सोम कहते हैं, जो कुछ सोमकणों का परिणाम होती है, उसके यह सोमकण कभी नष्ट नहीं होते। यह सोमकण उनके शरीर में सुरक्षित रहते हैं। यह सोमकण ज्ञान अग्नि के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। इस ज्ञान अग्नि रूपी ईंधन से जो ज्ञान की आग हमारे अंदर जलती है, उस अग्नि के ज्ञान रूपी जो सागर हमारे अंदर ठाठे मार रहा है, वह कभी भी सूख नहीं पाता, क्योंकि इस अग्नि के साथ हमारे अंदर जो सोमकण होते हैं, वह सरोवर को ठंडा रखते हैं। इसीलिए हम इस बात को सदा स्मरण रखें, याद रखें, इसके प्रकाश में सदा देने वाले बने रहें, दानशील बने रहें। मंत्र कह रहा है कि तू सदा दानशील बना रहे, तेरी वृत्ति, तेरी आदत भोग वृत्ति की ना हो तो भोगों में ना फंस। तेरे अंदर सुरक्षित यह सोमकण ज्ञान से तेरे मस्तिष्क को, इस शरीर को धूलोक माना जाता है, सदा भरा रहे। इसे कभी भी सूखने ना दे। इस मस्तिष्क को ज्ञान के जल से तब ही भरा हुआ रखा जा सकता है जब हम इस जल को कभी सूखने ना दें। इस जल में निरंतर जल आता रहे। यदि जल का, यदि ज्ञान का प्रवाह रुक गया तो इसे सूखने में कुछ देर नहीं लगेगी। इसीलिए इस प्रवाह को बनाए रखने के लिए हम सोमकणों को सुरक्षित रखें तथा इनकी सहायता से अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। इसको बढ़ाने के लिए, इसे बनाए रखने के लिए जो एकमात्र विधि प्रभु ने हमें बताई है, वह सत्संग है। यह सत्संग ही है जो तालाब को भरा हुआ रख सकता है। इसीलिए तू सदा सत्संग में भाग ले, सत्संग को प्राप्त हो, वेद की वाणियों का स्वाध्याय कर, वेद का प्रकाश प्राप्त कर, जो सत्संग से ही संभव है। वेद की वाणियों का जो ज्ञान मिलता है, जो वेद विद्या मिलती है, इसे प्रकाश से ही हमारे अंदर ज्ञान की वर्षा होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है। मंत्र आगे उपदेश कर रहा है कि हे जीव, तो सदा यह प्रार्थना कर कि हे प्रभु, हमारे ऊपर यह जो अनेक प्रकार के बंधन लगे हुए हैं, तू हमें इन सब बंधनों से मुक्त कर, यह पाश तोड़ दे। द्वेष की भावना, इस द्वेष की भावना के कारण जैसे हमारा अपना प्रिय स्वीकार नहीं करते, इसे दुष्ट को भी अब सत्संग से कभी वंचित ना करना। कितनी ऊंची भावना, कितने ऊंचे विचार इस मंत्र के माध्यम से मिल रहे हैं कि कितने जिनके वशीभूत हम अपने दुश्मन को भी तारने का यत्न कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह प्रभु ऐसे दुष्टों को भी कभी सत्संग से वंचित ना करे। यदि सत्संग से ही वंचित कर दिया गया तो वह कभी भी अपने में सुधार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसे सुधरने का पूरा अवसर दिया जावे, सत्संग में भाग लेने की अनुमति दी जावे, इसमें होने वाले उपदेशों को सुनने के उसे अधिकारी बनाया जावे। इन उपदेशों से भी उसे वंचित ना करिएगा प्रभु। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रशत्रु भी इस सत्संग के उपदेशों से लाभान्वित हों, ऐसा सौभाग्य उन्हें भी समान रूप से मिलता रहे। यदि इस प्रकार के अवसर उन्हें मिलेंगे तो इन अवसरों का लाभ उठाते हुए वह भी इन सत्संगों में बरसने वाले ज्ञान के जल में स्नान करके निर्मल हो सकेंगे। जब वह इस सत्संग के उपदेश रूपी जल में स्नान कर निर्मल हो जाएंगे तो वह हमारे लिए शत्रु नहीं रहेंगे बल्कि मित्र की श्रेणी में आ जाएंगे। जब वह हमारे मित्र बन जाएंगे, यज्ञ करने लगेंगे हमारे साथ, इसके महत्व को समझेंगे, तो उनमें भी दान की भावना जाग उठेगी।
तथा वह भी दानशील लोगों का अंग बन जाएंगे, दानशील बन जाएंगे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। यह लेख कल्याण की मार्ग नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पुस्तक को आप हमसे संपर्क करके मंगवा भी सकते हैं। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक सिद्धांतों से जुड़े विषय को जानने के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।